साथियों, जितने भी लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी ऑफिशियल न्यूज आई है। आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है जो कि 20 फरवरी से 12 मार्च तक का आपके एग्जाम है। तो आपके पास सिर्फ 100 डे बचे हैं तैयारी करने के लिए, तो जी जान लगा के आप तैयारी करिए ताकि आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन ले सके। और दूसरी मैं बात कहना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा जो पूछे जा रहे हैं कि क्या आरडब्ल्यू की बुक लेने से सिलेक्शन हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आरडब्ल्यू की ये बुक है आपके पास, जिन्होंने नहीं मंगाई तो 10 तारीख को कॉम्बो ऑफर चल रहा है, मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, जिसने नहीं देखी तो चैनल पे जाइए वीडियो आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एक मैथ की बुक है, ये हिंदी की, ये जीके की और ये रीजनिंग की है, ये रीजनिंग की बुक है। आपको इन चारों बुकों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इन बुकों का एनालिसिस किया तो मुझे ये पता चला आपकी रीजनिंग हिंदी जीके इससे तो आपके 20/20 आ सकते हैं, वो भी जीएस में क्वेश्चन आ सकते हैं 20/20 के, लेकिन आप कर पाए या ना कर पाए ये आपकी जिम्मेदारी, जीएस थोड़ा आना टफ रहता है। लेकिन आपको मैथमेटिक्स के लिए इसमें से 15 से 16 स्कोर आप कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखा है, जिनकी कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, बेसिक से पढ़ना है तो उनको दूसरी बुक लेनी पड़ेगी। जैसे कि मैं बात करूं आरएस अग्रवाल, आप बेसिक सही करने के लिए आप आरएस अग्रवाल ले सकते हैं, ये बिगनर के लिए मैं बता रहा हूं, जिनकी अच्छी तैयारी है वो आप इन बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो लोग अगले अटेम्प्ट में दिए थे। कुछ लोग जो लोग बिगनर है जिनका बेसिक अच्छा नहीं है तो वो पहले अपना बेसिक अच्छा करें, अभी 100 डे है बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ ये बुक तो सभी सीएल है, जो लोग बिगनर नहीं है। और दूसरी मैं बात करता हूँ, अगर आपको 140 प्लस स्कोर होना है, आपका टारगेट ही होना चाहिए 140 प्लस 160 में, तभी आपको कोई जॉब मिलेगी बीएसएफ सीआईएसएफ एसएसएफ इन लोगों के तभी मिल पाएगी। मॉक लगाना बहुत ही जरूरी है, मॉक आप डेली लगाइए या संडे को लगाइए, लेकिन मॉक आप जरूर लगाइए। उसमें अगर आप 50% स्कोर कर पा रहे हैं प्रीवियस ईयर तो आपको कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन से तैयारी कर सकते हैं, आप अपने मन से तैयारी कर सकते हैं। और टारगेट रखिए कि 100 डे का जो चैलेंज बचा है ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाइए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी स्थिति बदलनी है ना, अपने आप को बदलना है, तो सिर्फ एक मात्र सहारा है एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना। और एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, पेपर बहुत सरल आता है, फिजिकल होता है, डीवी होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। मुझे पता है जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं ये बंदे मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, इनको बहुत ही मन लगा के तैयारी करेंगे तो इनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। एक मात्र सहारा है आप लोगों के लिए अपनी स्थिति और अपने परिवार को बदलने के लिए कि एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना। और मैं बात करूं, जैसे कि मैं बात करूं फॉर्म फिल तो 24 नवंबर से आपके होंगे, और ऐसे ही आपको अगर जानकारी चाहिए मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, या अदरवाइज आपको कोई भी डाउट है या मैं यूट्यूब में आपकी कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप यहाँ पे जैसे ही मैसेज करेंगे 10 से 15 मिनट के बाद आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।